जो सरकार मौजूदा सरकार है, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लगातार जो है उनकी बातों में कथनी और करनी में भारी अंतर है। एक कर एक बड़ी सोची समझी साजिश आप लोगों के प्रति, जो दबे कुचले हैं, जो शोषित समाज है, जो पायदान अंतिम पायदान पे जो समाज है उसको निशाना बनाने का काम कर, और जो आरएसएस का जो बंच ऑफ थॉट्स है, जो किताब उनके बाबा गोवलकर ने लिखने का काम किया था, जिसमें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दलितों का अगर प्रवेश करते हैं तो कुछ जातियों द्वारा उनको घुसने नहीं देना, जो किताब लिखे थे बाबा गोवलकर, आज उसी गोवलकर जी के किताब को, बंच ऑफ थॉट्स को संविधान के जगह पे लागू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि यही सरकार है, शांत हो जाइए, यही सरकार है बीजेपी की और नीतीश जी की, जिसने एससी एसटी कानून को खत्म कराने की भारी साजिश करने का काम किया। अभी फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, उत्तराखंड में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार, यानी भाजपा के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाकर के जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन का था और जो जजमेंट आया कि भाई मौलिक अधिकार आरक्षण नहीं है, इसकी भी साजिश जो रची गई पूरी तरीके से भाजपा के लोगों ने रचने का काम किया। रविदास जी का जो मंदिर रहा दिल्ली के तुगलकाबाद में, उसको तोड़ने का, बल्कि इतना पुराना मंदिर है लोग, बहुत ही पुराना मंदिर आप देख सकते हैं, उसको पूरा तरीके से सरकार ने अतिक्रमण का नाम देकर के किस प्रकार से तोड़वाने का साजिश रचा। आप बताइए, अगर हम लोग सजग नहीं होते, जागरूक नहीं होते, अगर पूरा समाज एससी एसटी कानून को लेकर के अगर भारत बंद नहीं करता, सड़कों पे नहीं आता, जब रविदास जी की मूर्ति मंदिर को जब तोड़ा जा रहा था दिल्ली के सड़कों पे नहीं आता, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ताकत है आप लोगों में कि सड़कों पे आप आए तब जाकर के सरकार को अपना फैसला जो है वापस लेने का काम किया। चाहे रोहित वेमुल्ला हो, उसने जो आत्महत्या की, बल्कि हम तो कहते हैं कि सरकार ने उसकी हत्या करवाने का काम किया, जो सिस्टम है उसके खिलाफ वो लड़ने का काम कर रहा था वो छात्र, लेकिन उसको शारीरिक मानसिक प्रताड़ना किस प्रकार से लोगों ने किया ये जग जाहिर। आज कहीं ना कहीं से जो मुद्दा जो गर्म है देश में, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, एनआरसी है, सीएए है, इसको आप लोग गहराई से समझिए। मुसलमान भाई लोग तो इस बात को समझ रहे हैं कि यह संविधान विरोधी कानून है, काला कानून है, लेकिन असल बात जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, खास तौर पे जो गरीब है, ये बात उनको समझने की जरूरत है। ये एनआरसी जो कानून है, आप समझिए कि जो 1971 से पहले ही, ये कोई मुसलमान की बात नहीं, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है, जिसमें आप भी हैं, हम भी हैं, इसमें खड़ा हर एक एक व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं हैं। आप बताइए, हम पूछते हैं, आप इस देश के नागरिक हो कि नहीं, हाथ उठा के बताइए, इस देश के नागरिक हैं? हम लोग भारतवासी हैं,
अब कोई एक दो आदमी हम लोगों को बोलता कि कागज दिखाओ तुम इस देश के नागरिक हो कि नहीं हो तो हम मानेंगे? कौन होता है ये लोग पूछने वाला? कौन लोग हैं ये लोग? वही लोग हैं जिन लोगों ने बरसों तक आप लोगों का शोषण करने का काम किया, वही लोग हैं। ये लोग नहीं देखना चाहते, ये लोग नहीं देखना चाहते किनको, जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, एकदम नहीं देखना चाहता ये। आज कहीं ना कहीं से जो भी हो सत्ता में आ गए लोग, जिस वजह से आया हो, हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करके हम लोगों के मन में घृणा पैदा करके जहर बो करके आज देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आज ही लोग सत्ता में आ गए हैं और हम ही लोगों से वोट लेकर के अब पूछते हैं, अब बोलते हैं कि तुम साबित करो इस देश के नागरिक हो कि नहीं। बोलता है कि वोटर आईडी काम नहीं करेगा। अरे वोटर आईडी काम नहीं करेगा साबित करने में कि हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी आप प्रधानमंत्री कैसे बन गए? बोलता आधार कार्ड जो है ये भी नहीं हो सकता है सबूत दस्तावेज कि आप इस देश के नागरिक हैं, तो बैंक खाता से लिंक का अलग करा रहे थे। बोलता है पासपोर्ट का भी कोई मतलब नहीं है, पासपोर्ट का मतलब नहीं है तो उसमें पासपोर्ट के ऊपर भारत गणराज्य यानी आप भारत के नागरिक है ये क्यों लिखा हुआ है? अब आप बताइए, कई जो दलित समाज में खासतौर पर रविदास समाज में है कौन लोग हैं? मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जूता सीने का काम करते हैं, घर नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, भूमिहीन है, देहाड़ी मजदूर है। अब आप बताओ कोई कागज है 1971 से पहले? कितना लोग के पास 1971 के पहले उनके पिताजी का कोई जमीन है? जब अभी कोई जमीन नहीं है तो उस समय क्या जमीन हो? तो बताओ कौन, कितने लोगों के बाप दादा के पास जमींदार थे? हाथ उठा के बता दीजिए। तो यहाँ भूम कितना लोग के पास जमीन है बताइए? तो कागज तो होगा नहीं, तो आपको कर दिया जाएगा कि आप इस देश के नागरिक नहीं हो, आप भागो इस देश से। और दूसरा तरफ एक कानून बनाया CA, वो है नागरिकता देगा पाकिस्तान के लोगों को, अफगानिस्तान के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को। आओ, मतलब मुसलमान को छोड़ करके चाहे और धर्म के लोग हैं तो आप आइए। हम पूछना चाहते हैं, इतनी देश में बेरोजगारी है कि नहीं है? कितना लोग बेरोजगार है हाथ उठा के बता दे। जिन लोगों को लाएंगे बसाएंगे उनको कहां रुकवाएंगे? उनको घर देंगे? मतलब अपना जो देश में बेरोजगार है, गरीब है, उसको रोजगार नहीं देंगे, उनको घर नहीं देंगे? उनको बोलेंगे देश से बाहर जाओ, कागज नहीं है तो? अब बाहर का लोग को यहां ला करके उनका कागज बनवाएंगे, कहां रुकवाएगा बताइए? आओ भी आप देखिए भाई, प्रताड़ना होता है। संविधान में तो बाबा साहब ने यही लिखा ना कि भेदभाव के आधार पर नागरिकता नहीं दिया जाना चाहिए, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। और हमारे देश की तो यही खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, यही मामला है। तो आप जो लोगों को नागरिकता दोगे, कितने संख्या में होंगे लोग? करोड़ों। कहाँ रुकाओगे, कहाँ खिलाओगे, कहाँ पिलाओगे? मतलब देश जो है इन्हीं चीजों में, फालतू की चीजों में लगा रहेगा, तुम अंदर जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम भारत के हो कि नहीं हो, तुम बाहर के हो, कि हम लोगों का ध्यान रहेगा कि भुखमरी से लड़ो, बेरोजगारी से लड़ो, बिजली पानी शिक्षा चिकित्सा लोगों को दो, गरीबी खत्म करो? तो ये लोग गरीबी नहीं खत्म करना चाहता बल्कि गरीब को खत्म करना चाहता। हम बोलते हैं, हमारी पार्टी बोलते हैं, हमारे लालू जी बोलते हैं, नेता लोग बोलते हैं कि भाई बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए,
लोगों को जिसको घर दे उसको घर मिलना चाहिए, जिसको काम नहीं उसको काम मिलना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए। तो ये बीजेपी वाला बोलता नहीं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान और नहीं तो इमरान खान, यही काम लगा हुआ है भाई। देश जो है आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। अब आप बताइए, एनआरसी एनआरसी में उलझा दिया हमने के, अब पीछे से जो आरक्षण है वो छीनने का कोशिश कर रहा है। कितना चालाक लोग है, लेकिन दलित समाज है कोई लोग बेवकूफ समझता है, पिछड़ा समाज कोई लोग बेवकूफ समझता है। तो इनकी जितनी होशियारी है आने वाले चुनाव में आप लोग दिखाने का काम कीजिए, इनको सबक सिखाने का काम कीजिए। आप लोग सब लोग हमारा मुख्यमंत्री कैसा, हम लोगों का जो आप लोगों का मांग है, जो आप लोगों की मांग है उसका तो सुन लीजिए सुन लीजिए। बैठिए बैठिए। जो आप लोगों का 12-13 मांग है इसका तो हम लोग समर्थन करते ही, लेकिन इसमें हम लोगों को ये भी प्रस्ताव देना चाहिए कि ये जो मौलिक अधिकार की जहां तक बात की है, जो भाजपा सरकार ने खत्म करवाने की साजिश रची है आरक्षण को, हम लोग चाहे यहां चीफ मिनिस्टर, माफ कीजिएगा चीफ मिनिस्टर जो है नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार, भाई डबल इंजन का सरकार है, तो इन लोगों से हम लोग मांग करें, भारत सरकार से हमारे चीफ मिनिस्टर बोले हैं मोदी जी को, उन्हीं के ना पार्टनर बने हुए हैं, तो जाकर के बोले कि पूर्ण विचार जो है याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कीजिए इस फैसले को लेकर। दूसरा जो है, अगर मौलिक अधिकार नहीं है तो संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार भी करवा दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। गरीब को दलित समाज को उसका अधिकार मिलना चाहिए, और हम लोग पूरी तरीके से आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आपकी लड़ाई से राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी पीछे नहीं हटेंगे, आपकी रक्षा के लिए आपके अधिकार के लिए जो करना पड़ेगा उस काम को हम लोग करेंगे। तो हम ज्यादा कुछ समय ना लेते हुए सभी लोगों को इस कार्यक्रम में जो आए हैं उनको धन्यवाद देते हैं, और अपील भी करना चाहते हैं कि आने वाले 23 तारीख को पटना का जो वेटनरी कॉलेज का जो मैदान है बीएमपी के सामने हवाई अड्डा के साथ में, उसमें राष्ट्रीय जनता दल जो है, जो लोग बेरोजगार हैं, आप देखिएगा सब लोग तबाह हैं, रोजगार नहीं है, नौकरी के बाद नौकरी नहीं है, तो हम लोग जो है बेरोजगारी को लेकर के बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे निकलेंगे, जिसकी पहली सभा पटना को 23 तारीख को है। तो हम लोग चाहेंगे कि उसमें भी आप लोगों की भागीदारी हो, बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग आए और हम लोगों को बल दीजिए, सिर्फ बेरोजगारी हटाने का ही नहीं, जो बेरोजगारी की स्थिति है उससे लेकर के बेरोजगारी को कैसे हटाएं और लोगों को रोजगार कैसे दे, इस पे भी राष्ट्रीय जनता दल और हमारी पार्टी जो है गंभीरता से काम कर रही है, ताकि अगर हम लोगों की सरकार आए तो एक बेरोजगार ना रह जाए, हर एक के हाथ में रोजगार मिले, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है अगर आप लोग शक्ति दीजिएगा तो हम लोग सरकार को ही नहीं हटाएंगे, बल्कि सरकार में आने के बाद बेरोजगारी को भी हटाने का काम करेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः रविदास जी को याद करते हुए उनके विचार पे चलने का संकल्प लेते हैं और श्रद्धा के सुमन उनको अर्पित करते हैं, और फिर से रविदास चेतना मंच के आयोजकों को, जो हमारे पार्टी के सभी विधायक हैं, और शिवचंद्र राम जी को बधाई देने का काम करते हैं, और सभी विधायकों से जो रविदास समाज से आते हैं, हम सब लोगों से चाहेंगे भी कि अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है चुनाव में, अब लोगों के बीच आवाम के बीच आप लोग जाइए, समाज को जोड़ने का काम कीजिए, और जो उनको छलने का काम कर रहा है ठगने का काम कर रहा है
लोगों को वैचारिक रूप से लैस कीजिए, हकीकत बयां कीजिए और लोगों को पार्टी से जोड़िए। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस काम में लोग लगेंगे और पार्टी के जीत में इनकी बड़ी भूमिका होगी। इसलिए हम चंद शब्द कह करके अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद।